कुछ और प्रॉब्लम सीखते हैं। ये वाला प्रॉब्लम देखो, द फंक्शन साइन जेड अपॉन जेड क्यूब ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, द पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो। इसमें पूछा था एक पोल कौन से ऑर्डर का पोल है। कई बार बच्चे सीधा इसको देख के थर्ड ऑर्डर बोल देते हैं कि जेड माइनस जीरो है, जीरो एक सिमिलरिटी है, पोल का ऑर्डर थ्री है, पर वो गलत है। तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है कि बिना मैनिपुलेशन करे हुए, मैंने आपको बोला था पोल सिंगुलरिटी अगर आपसे पूछ रहा है किस ऑर्डर की है या क्या टाइप है, क्योंकि तो इसमें ऑप्शन सब पोल थे तो ये है तो पोल ही, तो पक्की बात है। अगर आपको पोल देखना है तो पहले आप सबकी सीरीज निकाल के देखो, मतलब आपको पहले मैनिपुलेट तो करना पड़ेगा। तो साइन जेड को मैनिपुलेशन करके क्या लिखते हो आप, वन इसकी सीरीज लिखते हो जेड माइनस जेड क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सीरीज लिखने के बाद जो पोल का ऑर्डर आएगा वो पोल है, ठीक है। तो जेड अपॉन जेड क्यूब क्या आया, जेड की पावर माइनस टू माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर बाय फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये आया आपके पास। अब आप देखो पोल क्या होता है, जो हाईएस्ट नेगेटिव पावर है, जो फाइनाइट हाईएस्ट नेगेटिव पावर है वो पोल है। तो नेगेटिव पावर कितनी है, माइनस टू। तो ये पोल का ऑर्डर क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर टू, थर्ड ऑर्डर का पोल नहीं है ये, ये सेकेंड ऑर्डर का पोल है, ठीक है। पोल ऑफ ऑर्डर टू, मैनिपुलेट जरूर करना, उसके पहले आंसर बन देना। एक ये क्वेश्चन था 2017 में, दो नंबर का आया था। अब ये देखो ये एफ जेड है, ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है, सीधा दिख रहा है मुझे। यू एक्स यू वाई चेक कर लो, वी एक्स वी वाई चेक कर लो, कॉची रिमान को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एनालिटिक था ही नहीं। एनालिटिकल नहीं है तो क्या बताया था मैंने आपको, पैरामेट्रिक फॉर्म, और ये कर्व सी दे रखा है जिसपे आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये जीरो जीरो और वन कॉमा वन से जाने वाली लाइन है, तो ये तो x इक्वल टू वाई लाइन है ना, x इक्वल टू वाई इक्वल टू टी हो गई इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म, तो रख दिया हमने। और t की लिमिट कहाँ से आएगी, x की लिमिट जीरो से वन, तो t की भी जीरो से वन, जीरो से वन टी स्क्वायर प्लस आइटा टी स्क्वायर। और डी जेड क्या हो जाएगा आपको, जेड होता है x प्लस आइटा वाई, तो और ये हो गया टी प्लस आइटा टी, तो वन प्लस आइटा t हो गया। तो dz क्या हो जाएगा, 1 प्लस आइटा dt, तो 1 प्लस आइटा dt ये आ गया। t स्क्वायर कॉमन ले लो आप, तो यहां से 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा का स्क्वायर तो बाहर आ गया, और ये हो जाएगा t स्क्वायर dt 0 से 1, ये तो बहुत सिंपल बन गया। तो 1 प्लस आइटा का स्क्वायर t क्यूब बाई 3 जीरो से वन, ये हो गया वन बाई थ्री, तो वन प्लस आइटा का स्क्वायर बाय थ्री, और सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो वन प्लस आइटा स्क्वायर प्लस टू आइटा बाय थ्री, ये तो जीरो हो गया, तो क्या बचा, टू बाई थ्री आइटा, आइटा स्क्वायर माइनस वन होता है इसलिए कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर है टू बाई थ्री आइटा। तो जब भी एनालिटिकल ना मिले तो क्या लगाओगे, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो हम मिक्सचर में क्वेश्चन में जैसा जो आ रहा है, द कॉन्टूर इंटीग्रल ऑफ ई की पावर वन बाय जेड डी जेड, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ई की पावर वन बाय जेड डी जेड विद मॉड जेड इक्वल टू, तो पहले आपने सोचा कि क्या ये एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है क्या, तो एनालिटिक तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ई की पावर वन बाय जेड है तो जेड इक्वल टू जीरो पे तो डिफाइंड नहीं है, तो ये तो सिंगुलरिटी आ गई, और ये अकेली सिंगुलरिटी है तो ये पोल भी है, सॉरी अकेली सिंगुलरिटी है तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी भी है, ठीक है। तो और फिर आपने सोचा भाई कॉची इंटीग्रल फॉर्म लगा लूं, वन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, वो फॉर्म भी नहीं है, वो वाली फॉर्म भी नहीं है, और एनालिटिक नहीं है तो डायरेक्ट आंसर जीरो भी नहीं है, ठीक है। और जो जेड इक्वल टू जीरो है वो इस सी डोमेन जो दे रखी है उसके अंदर भी है, तो काउंटर क्लॉकवाइज आपको डोमेन दे रखी है, इसके अंदर भी जेड जीरो है, ठीक है। तो अब क्या करें, अब इसमें प्योरली इस क्वेश्चन के लिए आपको हेल्प करेगी रेसिड्यू थ्योरम, कि अब आपको निकालना है रेसिड्यू, और रेसिड्यू भी आप कैसे निकालोगे, अभी इसमें कोई आपको पोल तो दिख नहीं रहा, कौन से ऑर्डर का पोल है डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा। तो रेसिड्यू की एक डेफिनेशन क्या थी, कि रेसिड्यू होता क्या है, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए क्या है, यह है कोएफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए की पावर माइनस वन, बेसिक डेफिनेशन यही है, इसका कोएफिशिएंट है। तो
e की पावर 1 बाय z का एक्सपेंशन करके z माइनस 0 की पावर 1, मतलब z कोएफिशिएंट ऑफ इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, a तो 0 है तो z इनवर्स का जो कोएफिशिएंट है वही रेसिड्यू है इस क्वेश्चन के लिए, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर आएगा 2 पाई एटा इनटू रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0, और रेसिड्यू कैसे निकालोगे, पहले इसका एक्सपेंशन करो, e की पावर 1 बाय z का क्या होगा एक्सपेंशन 1 plus 1 by z into 1 by 1 factorial by z का square into 1 by 2 factorial and so on. तो z inverse का जो coefficient है इसका, z inverse का coefficient क्या है 1, तो residue क्या आ गया आपके पास, ये 1 ही आ गया, residue is 1, तो 2 pi iota into 1, तो answer is 2 pi, purely residue theorem से ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा question, ठीक है, और residue कैसे निकाला आपने, और रेसिड्यू की भी बेसिक डेफिनेशन से बना कि कोएफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए की पावर माइनस वन का जो कोएफिशिएंट है वो रेसिड्यू होता है, तो वहां से आपको एक क्वेश्चन बना, ये हो गया, ये क्वेश्चन था 2016 में, द रेसिड्यू ऑफ पोल एट जेड इक्वल टू 0, तो पोल का रेसिड्यू निकालना है, तो बस पहले तो साइन जेड बाय जेड स्क्वायर को क्या किया आपने, एक्सपेंड किया, और रेसिड्यू क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने z माइनस ए की पावर माइनस वन का कोएफिशिएंट, ये बेसिक डेफिनेशन है, तो एक्सपेंड कर दो इसको, तो 1 बाय z स्क्वायर z माइनस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये हो जाएगा z बाय z स्क्वायर इज 1 बाय z माइनस z बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और इसमें जेड इनवर्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो रेसिड्यू क्या आ गया, तो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू 0 का वैल्यू आ गया 1, इस कोएफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए की पावर इनवर्स, तो जेड माइनस 0 का इनवर्स जो आएगा उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो रेसिड्यू 1 है, ठीक, तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ता है तभी आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो, अगर आप सिलेबस छोड़ोगे तो कतई आंसर नहीं दे पाओगे, ये भी हो गया, कुछ और मैं लिखता हूँ, तो इसके आगे वाले क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, द कंटूर सी आपको गिवन है, ये इज ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज दिस, तो आपको इस इंटीग्रेशन को इवेल्यूएट करना है इस कंटूर में, ठीक है, इसमें खास बात देखो क्या है, 2018 में 2 नंबर क्वेश्चन था ये, खास बात यह है कि सेंस आपको नोट करना पड़ेगा, कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मैंने आपको बताया काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज नेगेटिव सेंस है, तो सेंस अगर ध्यान रखोगे तो ये सही होगा, नहीं तो फिर इजी क्वेश्चन होते हुए भी गलती हो जाएगी, तो आपको इस इंटीग्रेशन को एवेल्युएट करना है, तो ये कॉन्टूर जो है सी, इसको आपको दो सिंपली कनेक्टेड कॉन्टूर में तोड़ना पड़ेगा, इसको पहले वाले को सी वन मान लो और दूसरे को सी टू मान लो, ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है आपका ये क्या आएगा, सी वन, जो सी वन है इसमें तो काउंटर क्लॉकवाइज है मतलब पॉजिटिव है, सी टू में क्या है क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा माइनस सी टू, ठीक है, और वन बाय पाई आएटा तो कॉमन ही है दोनों में, इधर आएगा डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन, अभी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस, ऐसे आपको तोड़ के करना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, तोड़ोगे तो ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन भी हो जाएगी, ठीक है, तो एक ही बात हो गई, तो सेंस का जरूर ध्यान रखना, तो 1 बाय पाई एटा इसका पोल क्या है, C1 में देखो, C1 में जो मैंने माना C1 इसको माना C2 इसको माना, C1 में 1 है तो z माइनस 1 और z प्लस 1 लिख सकते हो इसको, तो रेसिड्यू थ्योरम से अगर मैं लिखूं तो 2 पाई आयटा इनटू रेसिड्यू एट द पोल, पोल C1 में कौन सा पोल है, जेड इक्वल टू 1 है, तो रेसिड्यू एट पोल जेड इक्वल टू 1 तो कौन सा कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, जो इसको छोड़ के जो बचा उसमें 1 रख दिया तो 1 बाई 2 आ गया माइनस, सिमिलरली 2 पाई आयटा इनटू रेसिड्यू C2 में क्या है, C2 में माइनस 1 है तो ये भी वापस क्या है, जेड प्लस 1 जेड माइनस 1, अब माइनस वन है तो जेड प्लस वन वन छोड़ दो, वन अपॉन जेड माइनस वन में क्या रख दो माइनस वन, तो वन अपॉन माइनस टू आ जाएगा, ठीक है, अभी बताया था ना
जिसका निकालना है वन अपॉन, आपके पास है क्या जेड माइनस वन जेड प्लस वन, अगर रेसिड्यू वन पे निकालना है आपको तो जेड माइनस वन छोड़ के बाकी जो बचा उसमें वन रख दिया तो वन बाई टू आ गया। जेड इक्वल टू माइनस वन पे रेसिड्यू निकालना है तो ये माइनस वन वाला छोड़ दिया बाकी में माइनस वन रख दिया तो वन अपॉन माइनस टू आ गया। ठीक है तो वन बाय पाई एट टू से टू कैंसिल, पाई एट और ये भी टू से टू कैंसिल और माइनस माइनस प्लस तो प्लस पाई एट, ये क्या हो जाएगा टू पाई एट अपॉन पाई एट, आंसर इज टू इसका आंसर है। ठीक है सेंस जरूर ध्यान रखना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव है काउंटरक्लॉकवाइज नेगेटिव है। ठीक है ये भी हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक लिमिट का क्वेश्चन आया था इसमें गेट 2017 में दो नंबर का। तो लिमिट का क्वेश्चन पहली बात तो देखो, अगर फंक्शन एनालिटिक हो जाए, एनालिटिक हो जाए तो जैसे रियल कैलकुलस में लिमिट करते थे वैसे इसमें कर सकते हो। तो ये पॉलिनोमियल है तो ये एनालिटिक फंक्शन है, नीचे पॉलिनोमियल है तो ये भी एनालिटिक फंक्शन है, दोनों एनालिटिक फंक्शन है। तो अगर दोनों एनालिटिक फंक्शन है तो इनका रेशियो भी एनालिटिक आएगा, तो ये एक एनालिटिक फंक्शन है। तो जैसे रियल में करते थे वैसे इसमें कर दो। तो पहले जेड इक्वल टू आयटा रख के देखा आपने, तो आयटा स्क्वायर माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया, नीचे रखा तो आयटा क्यूब इज माइनस आयटा, माइनस आयटा प्लस टू आयटा, ये बचेगा आयटा माइनस, ये आएगा आयटा स्क्वायर माइनस वन, तो टू माइनस वन वन, वन माइनस आयटा, तो ये जीरो हो गया। तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है ये। तो अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म है आपके पास और रियल की तरह ट्रीट कर सकते हो तो क्या बताया था, लॉपिटल लगा दो आप इस पे, लगा दिया एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, और एनालिटिक फंक्शन है दोनों तो रियल की तरह डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा टू जेड डिवाइडेड बाय थ्री जेड स्क्वायर प्लस टू टू जेड, ये हो जाएगा। अब आपने जेड टेंड टू आयटा रख दिया इसमें, तो ये क्या आएगा टू आयटा अपॉन थ्री आयटा स्क्वायर, दैट इज माइनस थ्री प्लस टू माइनस आयटा इंटू टू आयटा, तो टू आयटा अपॉन माइनस वन माइनस आयटा इंटू टू आयटा, यह आएगा माइनस टू आयटा स्क्वायर, तो माइनस टू इंटू माइनस वन तो प्लस टू, तो ये क्या आ गया टू, यही आपका आंसर है जो फाइनाइट है और आंसर आ गया, आंसर इज टू आयटा। अगर दो एनालिटिकल फंक्शन दे रखे इनका रेशियो भी एनालिटिकल होगा, अगर एनालिटिक फंक्शन है तो जो रूल्स रियल कैलकुलस में पढ़े थे वो इसमें वैलिड हो जाएंगे। ठीक है तो ये भी हो गया, ये कर लिया। एक ये क्वेश्चन देखो, इन नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू वन द फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज अ पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म एफ जेड इक्वल टू वन वन माइनस जेड, वन माइनस जेड का स्क्वायर, वन माइनस जेड क्यूब, तो एफ ऑफ जेड बताना है आपको। अगर आपको ये दिख रहा है तो पॉलिनोमियल है ही, तो ऐसी सीरीज मैंने आपको याद करने को बोली भी है टेलर सीरीज में, क्योंकि हम लोग इसको रियल की तरह ही करेंगे तो सारे ये फंक्शंस देखो आप रियल की तरह ट्रीट हो जाएंगे, है ना। तो या तो सीरीज निकाल लो या आप टेलर सीरीज की तरह जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देना वैसे भी आप कर सकते हो इसको, और या तो मैंने आपको टेलर सीरीज कुछ याद करने को बोली थी, अगर आपको ये सीरीज याद हो तो ये आपको वन प्लस एक्स जैसा दिख रहा होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और ये किसकी सीरीज है, ये तो मैंने आपको डिफरेंशियल में बोला था याद करने को, ये 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन की सीरीज है, और 1 प्लस एक्स की जगह क्या है यहाँ पे 1 माइनस जेड है, सॉरी ये सीरीज है आपकी, ये 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये सीरीज आती है आपको 1 माइनस जेड के इनवर्स की सीरीज है ये, वन सेकेंड, ये 1 माइनस एक्स के इनवर्स की सीरीज है ये। यस ये वन माइनस एक्स के इनवर्स की सीरीज है, यस ये वन माइनस एक्स के इनवर्स की सीरीज है, तो वन माइनस वन प्लस नहीं है, वन माइनस एक्स के इनवर्स की सीरीज, क्योंकि वन प्लस एक्स का इनवर्स होता है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन की सीरीज है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो वन माइनस एक्स हो जाएगा वन माइनस जेड इनवर्स, तो ये हो गया वन और वन कैंसिल माइनस माइनस प्लस जेड, तो जेड इनवर्स आई थिंक वन ऑफ द ऑप्शन होना चाहिए, यस वन बाय जेड, ठीक है वन बाय जेड इज करेक्ट आंसर। तो ये वन माइनस एक्स के इनवर्स की सीरीज है, और वन प्लस एक्स के इनवर्स बोला ही है मैंने आपको, वो होती है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, पर ये तो सीधा मुझे वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दिख रहा था,
सीधा मैंने ये सीरीज लगा दी और यही आपका आंसर है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट इज दिस वन, एन इंटीग्रल आई ओवर काउंटर क्लॉकवाइज सर्कल मॉड जेड इक्वल टू थ्री इज, तो क्लोज डोमेन में इसको इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। तो मॉड जेड इक्वल टू थ्री, तो वो देख लो डोमेन क्या आएगी, मैं तो एंड पॉइंट बना, तो मॉड जेड इक्वल टू थ्री मतलब थ्री आएगा एक, ये माइनस थ्री, थ्री आएटा और माइनस थ्री आएटा, इसकी कवर्ड बाउंड्री आपकी डोमेन आएगी। तो ये तो आपकी डोमेन आ गई, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज दे रखिए। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप देखो इसमें पोल्स कितने, सिंगुलरिटी क्या क्या है, एक तो है जेड इक्वल टू आयटा और एक है माइनस आयटा, तो आयटा तो यहाँ आ गया माइनस आयटा, तो दोनों सिंगुलरिटीज अंदर है, ठीक है, तो रेसिड्यूज में लगानी पड़ेगी आपको, तो दोनों अंदर है तो क्या हो जाएगा, टू पाई आयटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, तो रेसिड्यू आपको निकालना पड़ेगा एक तो जेड इक्वल टू आयटा पे, प्लस रेसिड्यू निकालना पड़ेगा आपको जेड इक्वल टू माइनस आयटा, दोनों पे निकालना पड़ेगा। तो जेड इक्वल टू आयटा पे रेसिड्यू कैसे निकालोगे, ये जेड माइनस आयटा छोड़ के बाकी जगह आयटा रख दो, तो टू पाई आयटा इंटू, ये सिंगल ऑर्डर पोल है, जेड इक्वल टू आयटा हटा दिया बाकी जगह आयटा रखा, तो ये आयटा स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस टू इंटू ई की पावर आयटा डिवाइडेड बाय, यहां आ गया टू आयटा अपॉन टू आयटा, ठीक है, ये आ गया प्लस, इसमें क्या करोगे माइनस आयटा वाला मतलब जेड प्लस आयटा हटा के बाकी जगह माइनस आयटा रख दो, तो ये तो ऑब्वियस माइनस टू ही आएगा, माइनस टू अपॉन माइनस टू आयटा, टू अपॉन टू आयटा इंटू ई की पावर जेड, तो ई की पावर माइनस आयटा आ गया, ये तो रेसिड्यूस आ गए, तो टू पाई आयटा, ये क्या आ गया टू और टू तो कैंसिल हो गया, तो माइनस ई की पावर आयटा ऑन आयटा, ये माइनस टू दोनों कैंसिल हो गया प्लस हो गया, तो प्लस ई की पावर माइनस आयटा ऑन, ये आयटा आयटा भी कैंसिल कर दो इस आयटा से, तो टू पाई ई की पावर माइनस आयटा प्लस, ये माइनस में है ना, माइनस आइटम माइनस ई की पावर, और सिंप्लीफाई करो इसको, तो टू पाई ये क्या हो जाएगा कॉस वन माइनस आइटा साइन वन, है ना, ई की पावर आई थीटा है ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये तो ये आ गया माइनस कॉस वन प्लस आइटा साइन, ये आ गया टू पाई cos 1 minus cos 1 तो 0, minus iota sin 1 minus iota sin 1 तो minus 2 iota sin 1, तो हो गया minus 4 pi iota sin, ये आपका आंसर है, ठीक है, minus 4 pi iota sin, ये भी आ गया, ठीक है। तो इतने questions I think enough हैं आपको complex number समझने के लिए, तीनों theorems इसमें clear हो जाएंगे आपको, है ना, बाकी जो क्वेश्चन है वो अपने आप प्रैक्टिस करो, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, थैंक यू।